ईद मुबारक जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपने फ्रिज भरने की बजाय ज़्यादा बांटा होगा, बड़ी अन्नी पादो पोगलाम किस्म का अपना फ्रिज आपने नहीं भरा होगा। खैर, अस्सलाम वालेकुम शपै गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। वैसे मैंने अभी ऐसे किया ना तो मेरी आवाज़ बदली। हेलो जादू, आपका भाई बहुत दिन बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। उसकी एक तो वजह ये थी कि मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे, वो मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था। उसके बाद मैं एक बड़ी खूबसूरत से हमारे ज़िंदगियों में एक नई खुशी आई है, उसको लेने के लिए मैं ज़रा उसके चक्करों में थोड़ा सा मसरूफ़ था। आज मैं उसी से आपको मिलवाने वाला हूँ। और पहले मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। उनका नाम है जी मिस्टर विल्सन। और मिस्टर विल्सन का जो ताल्लुक़ है वो एक सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से, और मिस्टर विल्सन जो हैं वो एक बहुत ही यूनिक किस्म की एक क्या बोलेंगे उसको, शख्सियत तो नहीं बोल सकते। खैर, मिस्टर विल्सन जो हैं वो बस खुद ही मिस्टर विल्सन है, यू नो मिस्टर विल्सन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू माय न्यू पेट मिस्टर विल्सन। So finally, Mr. Wilson is here. Mr. Wilson, say hi. Mr. Wilson, say hi. सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ल को देखने से पहले तुम्हारे Instagram पे चर्चे हो चुके हैं, तुम्हें पता है इस बात का। खैर जी, ये है मेरा न्यू बॉर्न तो नहीं बोल सकते, इसकी एज 1 month एंड कोई 10 days हो चुकी है, गोल्डन रिट्रीवर पपी। और आज पूरी वीडियो हमारे मिस्टर विल्सन के नाम। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं इसका नाम मिस्टर विल्सन कैसे रखा और ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। विल्सन यार देख, बाज़ आ जा तू। अच्छा ओह विल्सन, गुस्सा कर रहा है कि मुझे छोड़, मुझे खेलने दे। विल्सन क्या है, क्या है गंदे बच्चे। तो विल्सन किस तरह से आया, सेलिब्रिटी बैकग्राउंड में उसका क्यों बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। विल्सन आया जी अब्बू के रेफरेंस से। मैं कोई नया पेट लवर नहीं हूँ, मैं बहुत पुराना पेट लवर हूँ। मैंने अपनी शपैकी की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने शपैकी, अगर कोई नहीं जानता तो शपैकी मेरी बिल्ली, वैसे सब जानते हैं आप लोग। तो शपैकी की जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि मैं बहुत बहुत बचपन का पेट लवर हूँ। हमारे घर के पुराने घर के साथ एक डेरा होता था, छोटे होते मेरा यही मिशन होता था कि मैं उस डेरे के अंदर जितना टाइम रह सकूँ, इधर देख, हाँ जितना टाइम मैं उस डेरे के अंदर रह सकूँ मैं रहूँ। तो बचपन में मैंने तकरीबन 6-7 class में मैंने बहुत नायाब किस्मों के कोई 300-350 कबूतर रखे हुए थे, और कुछ तोते थे और मछलियाँ वगैरह, कछुए, इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत रखी थी। लेकिन ये डॉग और कैट, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो डॉग और कैट, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो अम्मी कहती थी कि नहीं ये घर के अंदर नहीं आएंगी। खैर, शपैकी को मैं ले आया मार्च में, और वो तब अम्मी को पता लगा जब वो घर में आ गई। और शुरू में अम्मी ने बहुत किया कि इसको दूर रखो, इसे ये करो, इसे वो करो। लेकिन अब शपैकी को घर में सब प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार शपैकी को अम्मी करती हैं उतना शायद ही कोई करता हो। तो पप्पी का ये सीन है कि मुझे जितना मुझे शौक है उतना ही अब्बू को भी शौक है। हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं शौक में, लेकिन दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा है। तो ये जनाब आए हैं अब्बू के रेफरेंस से। ये है गोल्डन रिट्रीवर, मैं पहले बोल चुका हूँ गंदे बच्चे। तो ये है अमेरिकन ब्लड लाइन, और इसके जो अब्बा जी हैं वो स्कॉटलैंड से हैं, और जो इसकी अम्मा जी हैं वो अमेरिका से हैं। इसके अब्बा जी की तस्वीर आपको अब नज़र आ रही है। इसके अब्बा जी जो हैं वो पाकिस्तान में मेनी टाइम्स शो विनर भी हैं। और जो मैं बोल रहा था कि ये सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से है, विल्सन जो है, एक तो इसके अब्बा जी जो हैं वो भी शो विनर हैं काफ़ी दफ़ा, और जो इसके ताया या चाचा, मतलब इसके अब्बा जी का जो भाई है, अगर आपने अहदे वफा ड्रामा देखा है, अहदे वफा के अंदर एक डॉग है जोरू, जोरू इसके अब्बे का भाई है। तो भाई ये फुल सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से, हम इसको नहीं पहुंच सकते। उसके बाद ये पेडिग्री पपी, पेडिग्री का मतलब अगर कोई लोग डॉग लवर्स हैं तो उन्हें इस चीज़ की वैल्यू भी पता होगी, इसका मतलब भी पता होगा। माइक्रोचिप नंबर भी है इस जनाब का, उसके बाद इसका पता नहीं क्या क्या कुछ, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये चीज़ें सारा। अब इसके काम देखो, इधर फंसा हुआ है, अब इसे ऊपर नहीं आया जा रहा। तो डॉग्स की जो ब्रीड्स होती हैं, जिस तरह ये गोल्डन रिट्रीवर है, जर्मन शेपर्ड्स होते हैं, हस्की होते हैं, लैब्राडोर होते हैं, इनके अंदर एक तो जेन्युइन ब्रीड आती है जिसका अब्बा भी जेन्युइन होता है और अम्मा भी जेन्युइन होती है और इम्पोर्टेड होते हैं, और एक ऐसे ही मतलब आपको मिक्स भी मिल जाते हैं, जिस तरह गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर का मिक्स होता है वो भी मिल जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो जो जेन्युइन माल होता है, जो इधर आ जाता है, वो नहीं टिकरा, इनके दुनिया में आने से पहले ही इनकी बुकिंग हो जाती है। तो इसके जो अब्बा अम्मा हैं, इसके सारे भाइयों की हमारे पास जून के एंड में पिक्चर्स आई, वो सारे पपी बुक हो चुके थे। उन्होंने हमें दिखाया कि आपका जो पपी है वो नेक्स्ट ब्रीड के अंदर हम बुक कर देते हैं, आप देख लें कि वो यही वाला इसी अब्बा इसी अम्मा से होगा। तो हम तो नेक्स्ट ब्रीड के इंतज़ार में थे कि वो आएगा, उसके अंदर बुक हुआ है,
है, छोटा सा पप्पी आएगा, पता नहीं कितने महीने भी और लगेंगे, लेकिन एक महीने के टाइम में जिन जिन लोगों ने टोकन दिया होता है, जिन्होंने अपने पपीज बुक करवाए होते हैं, वो सारे ले गए, सिर्फ एक एक बंदा अपना पपी लेने नहीं आया। वो जो भी उसका मसला बना होगा, जो भी है भाई, बहुत अच्छा हुआ कि वो अपना पपी लेने नहीं आया। तो हमें कॉल आई कि इस तरह ये पपी है, इसका जिसने बुक किया था वो नहीं लेने आया, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। हम तो भाई बोला कि एकदम बिंदास जक्कास फौरन चाहिए। खैर तो ये सीन हुआ कि हमने इसका अब्बा भी देखा हुआ था, अम्मा भी देखी हुई थी, ये भी पता था कि पेडिग्री है और हर चीज़ हमें क्लियर थी। तो हमने बोला कि भाई हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन में आपके पास जो है वो पपी की डिलीवरी पहुंच जाएगी। अब 2 दिन जो वो इंतज़ार के थे, मैं आपको क्या बताऊं भाई, मतलब इंतज़ार नहीं हो रहा था। और वो 2 दिन पहला जब पता था कि 2 दिन रहते हैं, 1 दिन तो नींद आ गई। अब जब पता था कि कल आने वाला है, वो तो भाई ना नींद आए ना कुछ हो। और तू बड़ा कोई गंदा बच्चा है यार, टिक के बैठ, चुप मतलब बच्चा। और अगले दिन अब 2:30 बज गए दोपहर के, मैं देख रहा हूँ कि अब आएगा, आने वाला है। एकदम फ़ोन आया कि आपका जिन्होंने पप्पी डिलीवर करना था वो बिजी हैं, तो आज पप्पी नहीं आ सकता। तक पिया तो उन्होंने बोला कि अब कल आएगा, हम अब कल के इंतज़ार में कि अब आएगा। अगले दिन फिर पता लगता है कि जिन्होंने डिलीवरी देनी है वो नहीं आ सकते, वो बिजी हैं। अब मैं और मुझसे ज़्यादा अब्बू, हम दोनों इतना इंतज़ार कर रहे थे कि ये बस किसी तरह भी पहुंच जाए घर। खैर जब पता लगा कि नहीं आ रहा, मैंने और अब्बू ने मशवरा किया और मैंने बोला कि मैं खुद लेने जा रहा हूँ लाहौर से। मैंने यहाँ से 15 से 20 मिनट के अंदर शॉवर लिया, नहाया धोया, मैंने अपने ज़रा सामान वामान रखा और मैं निकल गया लाहौर की तरफ इसको लेने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना खूबसूरत सा एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा शबालू पिक करने के लिए लाहौर, और मेरे साथ है लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग यू सलमान खान शेरियार और मैं, हम लोग लाहौर जा रहे हैं। और अभी जो टाइम हो चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं, ये वहाँ जाके देखेंगे कि आज हमने अपना मेहमान आज पिक करना है या कल पिक करना है। तो मैं लाहौर पहुंचा और मेरी उनसे बात हुई जहाँ से मैंने इसको पिक करना था, जहाँ पे इसके अम्मा अब्बा और जो जिस फार्म हाउस में ये था वो वहाँ से ये शिफ्ट हो चुका था जिन्होंने डिलीवरी देनी थी उनके पास। तो मेरी उनसे बात हुई और मैं इसको पिक करने गया रात को तकरीबन 12 बजे। अंधेरा बहुत था तो मैं इसलिए उस मोमेंट को प्रॉपरली शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ खास नज़र आ रहा था और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा थी कि मैं इसको सही तरह से सेफ एंड साउंड गाड़ी में बिठा लूँ। तो उस टाइम बंटी ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। और इंतजार के बाद हियर कम्स द बेबी। हेलो बेबी, चल बैठ जल्दी। भाई मुबारक हो आपको आपके नए पेट के लिए। हेलो बेबी, हेलो हेलो, अभी आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये गंदी सी बात की सारा मामला हम सब नया ले लेंगे अभी। आते ही मालिक को पहचान तो लेना ये। खैर भाई हमने इसको लिया और हम निकले बंटी के घर की तरफ, क्योंकि रात वहाँ पे स्टे था। तो इसने पूरा रास्ता या लाडियाँ की या सूंगा की, ये कौन है भाई, अब तो मेरे साथ ही बहुत 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 फ्रैंक हो चुका है मेरे साथ। वहाँ पे हम लोग रात रहे और पूरी रात मुझे ना तो पूरी तरह नींद आई, मैं हर थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुले कि अब सुबह होगी, क्योंकि सुबह मैंने करनी थी इसकी शॉपिंग और रात को मैं बार बार इसको चेक कर रहा था कि ये ठीक है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी डॉग रखे नहीं है तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह से इनको मतलब सुलाना बुलाना। और वैसे भी एक नया पप्पी पहली बार ज़िंदगी में आया, इतना पुराना शौक, सालों का शौक पूरा हुआ। तो खैर अगले दिन सुबह उठे, हमने इसकी शॉपिंग वगैरह की, इसकी मैंने हार्नेस ली, इसका कॉलर लिया, इसकी कुछ बॉल्स वगैरह वो खेलने वाली ली, टॉयज़ एक दो इसके लिए, और वो लेने के बाद हम निकले वापस बहावल नगर की तरफ। अच्छा अब जब गाड़ी के अंदर ये बैठा, शुरू में तो थी थोड़ी सी गर्मी, ये असल में ब्रीड बायर की है तो इनको जो गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, हस्की हैं, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ये ठंड में रहने वाले हैं। तो इसको भाई जब गाड़ी थोड़ी सी गर्म थी, धूप में खड़ी थी थोड़ी देर, तो इसने कुछ जो बोला, मैंने कहा पता नहीं ये कैसे बहावल नगर तक जाएगा, मैं क्या करूँ। जैसी गाड़ी ठंडी हुई उसके बाद ये ऐसे सोया जिस तरह सत्तू पी के पिंड में बंदा नहीं सो जाता। अभी शाका जो है वो पीछे बड़े ही सुकून से सो रहा है। ये वाली ब्लू बास्केट है जो इसके साथ आई थी, और ये वाली बास्केट है जो मैं घर से आर्जी तौर पे तैयार करके लाया था कि मैं इसको ट्रेवल के लिए इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा। तो अभी ये सो रहा है, अभी जैसे ही उठेगा तो फिर मैं इसको उधर। यहाँ पे कुछ खा पी रहे थे और ये लाहौर से आधे रास्ते तक सत्तू पी के सोया हुआ था। अभी इसको जो है ना इसने स्मेल किया और फौरन उठ के अब ये कह रहा है कि मुझे किसी तरह कुछ खिला दो, लेकिन यार मुझे इसकी डाइट का भी अंदाजा नहीं है अभी ज्यादा। अभी नहीं दे सकता मैं तुझे विल्सन,
जा अपनी बास्केट में सो जा। अच्छा खैर, इसने मुझे बिल्कुल रास्ते में तंग नहीं किया। हम लोग पहुँचे बहावल नगर। यहाँ पे आके इसको मैंने ज़रा, क्योंकि गर्मी इसको लगती है, इसकी प्रॉपर कोई जगह भी थी नहीं, तो मैंने अपने ये स्टूडियो पूरा इसको मैंने दान कर दिया। इस ये स्टूडियो में 2 दिन रहा है, क्योंकि अभी इसकी चिची पोटी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो इसने यहाँ पे जो इसका दिल किया वो किया। बाप के भाई ने रोज़ हर घंटे 2 घंटे बाद वो उठाया, साफ़ किया उसको, 2 दिन यहाँ पे रहा। ओह मेरा इज इंजॉइंग। और ये इस तरफ विल्सन साहब का अभी मैंने बेड रखा हुआ है, और ये यहीं पे जनाब जो है सहरे वेरे करते फिर रहे हैं। विल्सन, आराम का वक्त हुआ जाता है। और वो छोटा सा भालू विल्सन को दिया मैंने, जो मेरे टॉयज में से निकला था, बहुत पुराने। विल्सन को भी मैंने सैर करवाई है थोड़ी सी टेरेस पे, उसके बाद इसको नींद में टोन हो रहा है, ये भी सो ही रहा है जिस तरह बच्चे नहीं कभी इधर नू डेग देने कभी उधर नू डेग देने, उस तरह से सोने की कोशिश कर रहा है। मेरी आवाज़ इसको डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए मैं चुप कर जाऊँगा। खैर, उसके बाद इसका मैंने क्रेट वगैरह बनवाया और उसके अंदर इसकी अब ट्रेनिंग चल रही है। अभी माशाल्लाह से कोई 50-60% ये इन चीज़ों को समझ चुका है कि मुझे जो चिची पॉटी है वो अपने अंदर नहीं करनी, लेकिन वो बेचारा साइंस दे रहा होता है। अगर किसी टाइम मैं ना समझ पाऊँ तो फिर उसका निकल जाता है फिर मैं साफ़ करता हूँ। लेकिन इसको अब बहुत आदत हो चुकी है कि ये बाहर लॉन के अंदर जाके ही जो भी इसने अपना सामान खाली करना हो तो ये वहीं पर करता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ट्रेनिंग चल रही है। My good boy, Wilson is a good boy. Wilson is a good boy. Wilson is a good boy. Wilson is a good goody 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 goody. अब ये तो होगी इसकी सारी दास्तान इसको लाने की और जो भी इसका बैकग्राउंड है ये वो। अब जब ये घर में आया, घर में ऑलरेडी एक बिल्ली है शपैकी। शपैकी है 5-6 महीने की, 5 महीने की तकरीबन, और ये बेचारा अभी 1 महीने को 2-3 दिन का, इसे बिल्कुल कुछ नहीं पता। ये टग्गा गडीरना जो है इससे अपना वज़न बेचारे से नहीं संभाला जाता था, अभी थोड़ा बड़ा होना शुरू हो रहा है माशाल्लाह से। तो शपैकी तो अक्लमंद है, उसको पता है कि ये क्या चीज़ आई है। शपैकी के साथ जब इसका पहला इंटरेक्शन हुआ, मैं दोनों को मैंने सामने नहीं छोड़ दिया, इसे तो बेचारे को पता ही नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है। उसको पता है कि ये कोई नई दुनिया की आइटम है। तो जब छोड़ा, शपैकी का रिएक्शन, खैर भाई 2 दिन तो शपैकी ने ना कोई ज़्यादा खाया पिया, ना कोई ज़्यादा उसका वॉशरूम आया। वो पता नहीं इस सोच में थी कि ये क्या चीज़ है ये, मतलब उसने पहली बार देखा इस तरह का कुछ भी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाब चल रहा है या सच में कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद अभी इसको अभी भी नहीं पता कि वो कोई दुनिया की मखलूक है, लेकिन शपैकी को भी थोड़ा आइडिया हो चुका है कि ये कोई एक नया चीज़ आई है। वो इसको अब इसके थोड़ा रोज़ थोड़ी तरक्की कर रही है, इसके पास जाती, इसको सूंघती है कि ये क्या है। अब इससे दोस्ती करने की आजकल वो कोशिश कर रही है, आहिस्ते आहिस्ते इनकी दोस्ती हो जाएगी। तो ये जी मेरा नया गोल्डन रिट्रीवर पपी, मेरा बच्चा। और हाँ, विल्सन इसका नाम मैंने कैसे रखा, जब ये हमें कंफर्म हो गया था कि ये आने वाला है, तो उस दिन से मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारे पेजेस गोल्डन रिट्रीवर्स के अकाउंट्स ये वो सब मैंने फॉलो किया, अभी तक किया हुआ है। और मैंने गूगल पे निकाला कि गोल्डन रिट्रीवर पपी के हम क्या नाम रख सकते हैं, 250 नाम के अंदर से मैंने कोई 4-5 नाम शॉर्टलिस्ट किए, और उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले विल्सन को, घर में और दोस्तों में।
तो फिर मैंने इसका नाम विल्सन रखा। बाकी कुछ नाम थे, हार्ले मैंने सोचा था, शेल्बी सोचा था, बेंटले सोचा था, कॉस्मो सोचा था, मर्फी, मर्फी मुझे बहुत पसंद था नाम, लेकिन मैंने पता सी पाई तो उसी मर्फी ने 2 मिनट बर्फी बना देंगे, मैं क्या ना जब तुम बर्फी कहोगे मैंने चंगा नहीं लगना, तो फिर मैंने इसका नाम विल्सन रखा। अभी विल्सन साहब जो है, शपैकी जब मैं लेके आया था तो मैंने शपैकी का सोचा था इंस्टाग्राम वगैरह बनाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया था, तो अब मैं विल्सन का और शपैकी का एक कंबाइंड इंस्टाग्राम मैंने बनाया। आप जाके इसको फॉलो करें और इनकी रोज़ आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, इनके पिक्चर्स, प्यारी प्यारी स्टोरीज और ये चीज़ें, तो मस्ट फॉलो विल्सन एंड शपैकी। अब इस मट्टू से कोई चैन नहीं आ रहा, तो अब इसको मैं जाके ज़रा पानी वानी पिलाता हूँ, इसे थोड़ा सा आराम देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूने इधर बहुत मेहनत कर ली है, चल चले। ओके जी शपैक गैंग, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआओं में याद रखना है, और इंस्टाग्राम पे मुझे भी और इसको भी फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।